हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं साथ आपके साथ। और चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं द व्हाट आर इंडियन सेलिब्रिटीज थिंक अबाउट पाकिस्तान। तो इंडिया के सेलिब्रिटी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, और ये वीडियो मुझे बहुत नया लगा तो इसलिए मैं आपके लिए लाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या थिंक करते हैं इंडिया के लोग आपके बारे में? कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसे तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। मुझे अक्सर एयरपोर्ट पे मिलते हैं, इंग्लैंड में मिले हैं, जहाँ पर भी मिलते हैं, बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं, पूरे परिवार जो होते हैं। बिकॉज उन परिवारों में किसी में कुछ इस तरह की गलत फहमी नहीं है। ये कुछ चंद लोग होते हैं जो ये गलत फहमियाँ बना लेते हैं। उसको मुझे बड़े आराम से रखा गया। मेरी जो भी क्या कहना चाहिए मेहमान नवाजी में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मुझे 5-star होटल में ठहराया, फिर सेट पे भी हमारे एयर कंडीशन वैन भी होती थी एक्टर्स के लिए। क्रिकेट करियर में एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्स था पाकिस्तान, क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी बहुत कम देखने को मिला है। हम 1.5 महीने थे पाकिस्तान में और हर जगह गए, 5 वनडे खेले, 3 टेस्ट मैच खेला, और हॉस्पिटैलिटी ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड ऐसा कभी मैं देखा नहीं हूँ। हर जगह होटल, लोग, खाना, फैसिलिटीज़ बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, हम चाहते हैं कि भारत ऐसे टूर करे। तो एक दिन हम बैठे थे साथ में, बहुत ही परेशान, बोर हो रहे थे। हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है, दुश्मन देश चलते हैं। तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया, मेरे फादर से नेवी में थे तो उस टाइम उनके पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छे ताल्लुकात थे, तो हमने जुगाड़ लगाया और हमें वीजा लग गया। और हम दो अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे, हम बहुत एक्साइट हुए। लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। हम दोनों की मुल्कों की जबान एक है, पड़ोसी हैं हम लोग। और हमारे यहाँ तो, और आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो परिवार की तरह होता है। हमें अच्छा लगता है कि जब हम पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ काम करने, हम आपका काम देखते हैं, आपके टेलीविज़न के ऊपर जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही उमदा हैं। हमें तो कभी अंतर लगा नहीं। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है, और उनकी शिक्षा दीक्षा वो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई। मेरे जो नाना थे वो वहीं रहने वाले थे, कराची में वो प्रैक्टिस करते थे, वो बार एट लॉ थे। रियली ओके। तो हमें तो कभी कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं, और इन मतभेदों को ख़त्म करना चाहिए, ऐसा मानता हूँ। सर एक लोगों के रिलेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है पिछले इतने सालों में। ये पॉलिटिशियंस के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, लोग वहाँ के भी और यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ पाकिस्तानी सभी फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आई लव पाकिस्तान। मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान लाहौर से रहे, हमेशा मैं आना चाहता हूँ और बहुत जल्द से जल्द आऊँगा। तो वीडियो देख के बहुत प्राउड फील हुआ कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। और आप सभी ने देख भी लिया है कि उनकी क्या सोच है। ये किसी ने बनाया हुआ वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया है कि इससे सोच समझ में आती है कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। और मुझे लगा ये कुछ अलग होने वाला है, लेकिन बहुत बढ़िया था ये वीडियो। और सभी की सोच पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ऐसा नहीं है ये पॉलिटिकली इंडिया के लोग, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा लग रहा, मतलब ऐसा होता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऐसा होता है, दुश्मन देश माने जाते हैं उनको। सभी देशों की नज़र इन दोनों देशों पे ही होती है, लेकिन ये हमारा पड़ोसी देश है, हम उनसे भी प्यार करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना होते, इंडिया भाई पाकिस्तान ऐसा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया के लोग पाकिस्तान से हेट करते, ऐसा नहीं है।
तो आई लव इंडिया वर्स एंड पाकिस्तान ऑल्सो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।